थाना भोगनीपुर की चौकी पोखराया के गांव दुर्गदासपुर में आज चौकी इंचार्ज द्वारा एक आरोपी की तलाश में पुलिस गई थी, जिसमें गांव पहुंचने पर वहां एक युवक द्वारा चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा उस युवक को पकड़ के लाया जा रहा था। इसी क्रम में युवक के परिजन, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, उसने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और पुलिस के साथ जो है हाथापाई करने की कोशिश की। एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज द्वारा महिला के ऊपर दिखाया जा रहा है और उसमें यह लग रहा है कि पुलिस द्वारा महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है, लेकिन वह यह फोटो जो है एक अन्य वीडियो से लिया गया है, जिस वीडियो में यह प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उसमें महिला ने ही चौकी इंचार्ज का कॉलर पकड़ रखा है, उसका गिरावान पकड़ रखा और उसको उसके खींचने क्रम में संभवतः वह गिरी है, जिसके ऊपर चौकी इंचार्ज भी गिरा है और लोग उसको छुड़ा रहे हैं। और जब महिला के हाथ से कॉलर छूटा है तो चौकी इंचार्ज तत्काल जो है उठ के वहाँ से हट गए हैं। इस प्रकरण में जो महिलाओं का आरोप है, उनका यह आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है। इस संदर्भ में जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें जांच कराई जा रही है और जांच निष्पक्ष हो और सारे प्रकरण की विस्तार से और निष्पक्षता से सभी तथ्यों के अनुरूप जांच हो, इसके लिए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जा रहा है। आगे जांच में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर अन्य विधिक या विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।